नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट सपोर्ट के डेली टेक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर उसका किसी भी एसोसिएट या ग्रुप में है तो आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से ये बैंक जो है अपने बहुत से नियमों में फेर बदलाव करने वाले हैं, और अगर आप इन नियमों को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको काफी भारी पेनाल्टी जो है चुकाना पड़ सकता है। ये नियम जो है वो कैश डिपॉजिट में भी लागू किया जा रहा है, एटीएम से विड्रॉल करने में भी लागू किया जा रहा है, अगर आप मिनिमम मंथली बैलेंस कितना रखना है उसमें भी फेरबदल किया गया है, उसके अलावा एसएमएस चार्जेस और कई चेंजेस है जो कि आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैश डिपॉजिट। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन ये ऐसा कर दिया गया है, अब 1 अप्रैल 2017 से हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए तो महीने में 3 बार से ज्यादा अगर आप बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट कर देंगे तो 4थे बार से आपको ₹50 हर बार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे लोग, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का यूज करके लोग जो है कैश को डिपॉजिट करें, ऐसा कहा जा रहा है, या फिर आप जो कैश डिपॉजिट मशीन है वहां जाके पेमेंट जमा कर लीजिए, तो उस पर ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा। बैंक जाके आप जमा करते हैं 3 बार से ज्यादा तो आपको ₹50 हर बार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दूसरा नियम जो चेंज किया गया है मेजर, वो मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो उसमें कि वर्ष 2012 के बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री कर दिया था कि कस्टमर कितने भी बैलेंस रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कुछ फाइन पेनाल्टी नहीं लगा रहे थे 5 साल से, लेकिन फिर 1 अप्रैल 2017 से ये पेनाल्टी लगना शुरू हो जाएगा और अब काफी इस बार तगड़े तरीके से लगने वाला है। आपको कितना रखना है मिनिमम बैलेंस ये सोच लीजिए थोड़ा। देखिए, अगर आप मेट्रो में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता ये सब जगह अगर रहते हैं आप मेट्रो सिटीज में, तो आपको अपने अपना अकाउंट वहां पे अगर है मेट्रो में तो आपको मिनिमम ₹5,000 मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस रखना है आपके अकाउंट में। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको पेनाल्टी पड़ेगा, कितना हम बता रहे हैं। अगर आप शहर में रहते, सिटी या टाउन में रहते हैं तो आपको 3,000 रखना है। अगर आपको आप सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं तो 2,000 रखना है। अगर आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं तो 1,000 रखना कंपलसरी है। अगर आप इतना नहीं रखते हैं मतलब मंथली मिनिमम बैलेंस, तो आपको जो है up to ₹100 तक फाइन होगा, प्लस उसके साथ साथ कितना परसेंट और कितने दिन तक आप जो है नील रखे हैं, कम रखे हैं बैलेंस, उस हिसाब से एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा आपको, और ये आपका अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो आपका आश्चर्य हो जाएगा फिर, तो ये जानना बेहद जरूरी चीज है। अब देखिए अगला चीज, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से महीने में 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, 5 बार फ्री है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से, और 5 बार से ज्यादा करेंगे तो आपको ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज हर बार लगेगा, ठीक है। अगर आप स्टेट बैंक के अलावा किसी भी दूसरे एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो 3 बार मैक्सिमम 3 बार फ्री है, उसके बाद आपको ₹20 चार्ज पे करना पड़ेगा, up to ₹20 तक, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन दिया गया किन लोगों को, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ₹25,000 से ज्यादा रखते हैं, है ना, तो आप स्टेट बैंक से कितने बार महीने में निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 25,000 अगर आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं मिनिमम बैलेंस तो, ठीक है। दूसरा, अगर आप 1 लाख अपने अकाउंट में रखते हैं बैलेंस मिनिमम, तो आप किसी भी बैंक के कितने भी एटीएम से निकाल लीजिए, कितना बार भी महीने में कोई फर्क कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, है ना, तो ये नियम लगाया गया है। उसके अलावा एसएमएस चार्जेस जो होते हैं उस पर भी चार्ज लगाया जा रहा है। अब जो कि आपको एसएमएस अलर्ट आता था हर चीज के लिए, उसके लिए हर 3 महीने में ₹15 लिया जाएगा, लेकिन अगर आप ये ₹25,000 से ज्यादा अपने बैंक में रखते हैं तो आपको वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है आप समझ गए होंगे, भली बात ही 1 अप्रैल से ये नियम जो है सभी लागू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।